असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको पता ही होगा, एक वक्त था जब हिमंता बिस्वा सरमा कांग्रेस के साथी थे, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन वक्त रहते उनको चीजें समझ में आ गई और उन्होंने अपना पाला बदल लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब असम की सत्ता में वो काबिज हैं और उनके नेतृत्व में असम लगातार आगे बढ़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि काम करने के साथ साथ हिमंता बिस्वा सरमा जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, विपक्षियों को धोते हैं, केजरीवाल के साथ उनका जो ट्विटर वॉर हुआ और फिर जिस तरीके से वो दिल्ली आए, तमाम इंटरव्यूज दिए, केजरीवाल को चुनौती दी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हिमंता बिस्वा सरमा को हमेशा लाइमलाइट में बनाए रखती है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनको सबके सामने पेश करती है। अब एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में हिमंता बिस्वा सरमा ने कई सवालों के जवाब दिए और इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तंज कस दिया। हुआ ये कि पूछा गया हिमंता बिस्वा सरमा से कि प्रियंका गांधी राजनीति में ठीक है या अशोक गहलोत, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ देर के लिए इस गांधी परिवार से बाहर निकलिए। जब हम गांधी के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। ये गांधी परिवार क्या है, राजीव गांधी परिवार या महात्मा गांधी? गांधी परिवार मतलब मैं महात्मा गांधी का परिवार समझता हूँ। फिर उनसे पूछा कि राहुल गांधी से दिक्कत क्या है, तो इस पर हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, प्रॉब्लम क्या है, जुड़े हुए भारत देश को जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष की तरह बात करते हैं। आप दलित के घर जाते हैं, फोटो डालते हैं, लेकिन दलित आपके घर क्यों नहीं आता? गांधी परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के सवाल पर हिमंता बिस्वा सरमा ने कह दिया, मैं गांधी परिवार पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। अगर वो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेंगे तो हमारे जवानों के मन में क्या लगेगा? जब तक तिरंगा पकड़कर नहीं लहराएंगे, जब तक भारत माता की जय नहीं बोलेंगे या मन से भारतीयता का भाव नहीं आएगा, तब तक आप भारतीय नहीं बन पाएंगे। बताते चले आपको, हिमंता बिस्वा सरमा एनआरसी को लागू करने, मदरसों पर कार्रवाई को लेकर भी बयान दे चुके हैं और इसको लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें पत्रकार रूबिका लियाकत ने उनसे केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था, देखिए केजरीवाल तो म्यूनिसिपैलिटी के मेयर जैसे हैं और मैं एक स्टेट का सीएम हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उनसे लड़ूं और ना ही मेरे पास इतने सोर्सेज हैं कि मैं टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन चलाऊं। हिमंता बिस्वा सरमा का अपना एक ऑरा है, अपना एक उनका स्टैंडर्ड है और अपने एक उनका तरीका है बात करने का, और यही वजह है कि उनके तरीके से विरोधी थर थर कांपते हैं। अब देखिए ना, पहले तो केजरीवाल ने कह दिया, हिमंता बिस्वा सरमा जी आप दिल्ली आइए, मैं आपको काम दिखाऊंगा, लेकिन जब असम के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे तो केजरीवाल कहां गायब हो गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमंता बिस्वा सरमा एक नजर में सबको उधेड़ देते हैं, या ये कह लीजिए कि सबकी बखिया उधेड़ देते हैं, फिर चाहे राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल। आप बताइए, हिमंता बिस्वा सरमा के इस बयान पर आपका क्या कहना है?